हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। पीजीटी एजुकेशन के सिलेबस में हम कंपैरेटिव एजुकेशन को डिस्कस कर रहे हैं और उसको डिस्कस करते करते हमने सबसे पहले बात की थी बेसिक्स ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन, देन हमने बात की थी फेजेस ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन और फिर हमने बात की थी मेथड्स ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन। ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एक फैक्टर्स। अब इनको आप ये बोल लीजिए चाहे बेसिक फैक्टर्स रिलेटेड टू कंपैरेटिव एजुकेशन या फिर बेसिक फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस कंपैरेटिव एजुकेशन या फिर बेसिक फैक्टर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन। सो अल्टीमेटली कुछ एक फैक्टर्स जो कि कंपैरेटिव एजुकेशन पे इम्पैक्ट डालेंगे, उन फैक्टर्स को हमें डिस्कस करना है। ओके जी, सो बस रटने वाली इसमें कोई चीज नहीं है, मेमोराइज वाली चीज नहीं है, बस समझने वाली चीज है। आपको समझ आ जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली वो चीजें कंपेयर करके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके दिमाग में रहेगी और आप कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का आंसर जो है इससे कर पाएंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लगी तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दिस इज एब्सोल्यूटली फ्री और फ्री में इतना कुछ मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ अच्छा कॉन्टेंट, सो सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे फैक्टर्स होंगे और इन्हीं फैक्टर्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और सिंपल से बस इतना ध्यान में रखें कि कोई भी फैक्टर है उसका एजुकेशन सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उस एजुकेशन सिस्टम को वह कैसे इन्फ्लुएंस करेगा या कैसे अफेक्ट जो है उसके ऊपर रहेगा। वो चीज़ अगर एजुकेशन सिस्टम पे हमें इफेक्ट समझ आ गया तो हम उसको कंपैरेटिव एजुकेशन में भी ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, दो एजुकेशन सिस्टम को ही तो कंपेयर करते हैं। सो कोई भी चीज़ जो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर इफेक्ट डाल रही है तो वो कंपैरेटिव एजुकेशन की ग्रोथ उसके ऊपर भी इम्पैक्ट डालेगी। ठीक है, ज्योग्राफिकल फैक्टर, सबसे पहली चीज किसी भी जगह का एजुकेशन सिस्टम, वहां का रहन सहन, वहां का खाना पीना, सिविलाइजेशन, कल्चर, सोशल इंस्टीट्यूशन, सारी चीजें उसकी ज्योग्राफी से अफेक्ट होती हैं। अब कोई चीज जो इंडिया में हो रही है वहां की ये जो ज्योग्राफिकल कंडीशन या वहां के क्लाइमेट की वजह से हो सकता है यूएस में ना होती हो। ठीक है, क्योंकि हो सकता है किसी कोल्ड कंट्री में बहुत ठंड है, वहां का रहन सहन, वहां की स्कूल सिस्टम, वहां का स्कूल का टाइमिंग, वो सारी चीजें अलग रहेंगी एज कंपैरिजन टू कोई भी एक ट्रॉपिकल कंट्री। ठीक है, सो अल्टीमेटली हमें ये समझ आता है कि वे ऑफ लिविंग और सोशल ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके के कंट्रीज की सेम नहीं होती है और वही चीजें अफेक्ट करती हैं किसको, एजुकेशन सिस्टम को और कंपैरेटिव एजुकेशन को। सो ज्योग्राफी का इम्पैक्ट काफी रहता है एजुकेशन सिस्टम पे भी और कंपैरेटिव एजुकेशन की स्टडी पे भी। देन आता है जी इकोनॉमिक फैक्टर। एजुकेशनल सिस्टम किसी भी कंट्री का क्लोजली रिलेटेड होता है इकोनॉमिक कंडीशन से। अगर आपको याद हो जब हम 1947 में आजाद हुए सो उस टाइम पे कोई ऐसे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था क्योंकि हमारे पास इतना पैसा ही नहीं था कि हम फ्री में रिसोर्सेज अवेलेबल करवा पाए स्टूडेंट्स के लिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़े तब 2009 में जाके RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो हमारे पास आता है कि एटलीस्ट 6 to 14 जो है उन बच्चों को एक बेसिक एजुकेशन जो है वो फ्री और कंपलसरी होनी चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। अभी तक भी ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम ही एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड कर रहा है बच्चों को, मतलब फर्स्ट क्लास से लेके हायर एजुकेशन तक, ऐसा तो नहीं है, राइट? सो वो क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन अभी तक ऐसी नहीं है कि हम जो है मतलब 6 से 14 तक तो हम अफोर्ड कर सकते हैं फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, लेकिन बाद में हम वो फ्री चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो एजुकेशन सिस्टम को प्रभावित करती है। ऐसे ही किसी भी जगह की वो जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो वहां के एम्स या करिकुलम जो है एजुकेशन का उसको अफेक्ट करेगी और एम और करिकुलम या एजुकेशन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स जो है वो इकोनॉमिक कंडीशन को देख के ही फ्रेम किए जाएंगे। ओके, जैसे एक एग्जाम्पल नहीं तो जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है जो वो हमेशा बच्चों को ये सिखाएंगी कि स्टेट जो है वही ओनर है सारी की सारी प्रॉपर्टी का, आप जो है प्रॉपर्टी इंडिविजुअल जो है वो प्रॉपर्टी नहीं लेगा, उसके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं होगी, सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है उसका ओनर स्टेट रहेगा। और यही इंप्रेशन हम प्राइमरी स्टेज से ही बच्चों के दिमाग में डालना चाह रहे हैं और हर एक इंडिविजुअल को ये चीजें प्रोटेक्ट करनी है कि वो स्टेट की ही रहे। ठीक है, सो वो क्या है, वो हमारी जो सिचुएशन है वो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी इकोनॉमी है, हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी अगर है तो उस हिसाब से हम एजुकेशन को मॉडिफाई कर रहे हैं।
जैसे जो डेमोक्रेसीज हैं, यूएसए है, इंडिया है, वहां पे सिचुएशन डिफरेंट रहेगी। वहां पे इंडिविजुअल प्रॉपर्टी रिकग्नाइज कर सकता है, यानी आप जितनी मेहनत करेंगे अपना इंडिविजुअल एक स्टेटस बना सकते हैं, ठीक है। तो वो वहां पे जो एजुकेशन सिस्टम है वो उस तरीके से मोल्ड होता हुआ आपको दिखाई देगा। सो इकोनॉमिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एजुकेशन सिस्टम में और कंपैरेटिव एजुकेशन में। रेशियल फैक्टर, तो हर एक कंट्री में अलग अलग तरीके की नंबर ऑफ रेसेस जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। रेसेस डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करेंगे एजुकेशन सिस्टम को, क्योंकि बहुत बार होता है ना कोई एक रेस जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझने लग जाती है और वो दूसरों के ऊपर जो है रूल करने की कोशिश करती है। अगर वो सक्सीड हो जाते हैं रूल करने में तो वो फिर फर्दर कोशिश करते हैं कि कैसे हम इसको स्ट्रेंथन करें, जो कंट्रोल हमारा है उसको कैसे स्ट्रेंथन करें एक ऐसा पर्टिकुलर एजुकेशन सिस्टम डेवलप करके, ठीक है। जैसे जो फ्रेंच या ब्रिटिश लोग हैं उन्होंने अलग अलग जगह पे कॉलोनीज बनाई थी, जैसे अफ्रीका में कॉलोनी बनाई थी, तो वहां पे क्योंकि वो वाइट थे तो वो अपने आप को सुपीरियर मान रहे थे एज कंपेरिजन टू जो अफ्रीका के नेटिव लोग थे उनके कंपेरिजन में, ठीक है। उन्होंने एक स्पेशल काइंड ऑफ एजुकेशन सिस्टम डेवलप कर दिया ताकि वो ब्लैक नेटिव्स के ऊपर, ये जो वाइट ब्रिटिशर्स हैं, ये अपना कंट्रोल बनाए रखें, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका जो है एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा जब आप एक इफेक्ट देखेंगे, इफेक्टिव एलिमेंट देखेंगे रेस का एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। सिमिलरली ब्रिटिश रूल तो इंडिया में भी था, इंडिया में भी अगर आपने मकाले मिनट पढ़ी हो तो आपने देखा, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि वो क्या चाह रहे थे। वो सिर्फ ये चाह रहे थे कि जो है कलर और ब्लड में, कलर जो है वो तो किसका हो, इंडियन का हो, लेकिन उनमें खून जो है वो ब्रिटिशर्स का, उनके उसूल जो है वो ब्रिटिशर्स के बहते हो बेसिकली। सो वो यही चाह रहे थे वहां पर, कि वो हायर लेवल पे एजुकेशन किसी को नहीं लेने देना चाह रहे थे, वो सिर्फ एक वो जो वर्किंग क्लास है वो एस्टेब्लिश करना चाहते थे इंडियंस में से, ताकि वो इस काबिल ही ना हो कि वो अपना कुछ कर सके आगे बढ़ के, ठीक है। सो वो चीज भी क्या थी, एक एग्जांपल थी रेशियल फैक्टर का कि कैसे एजुकेशन सिस्टम जो है वो अफेक्ट होता है। लिंग्विस्टिक फैक्टर, डेफिनेटली हर कोई इंसान अपनी लैंग्वेज, जब जन्म होता है तो आसपास आप सुन रहे होते हैं कोई ना कोई लैंग्वेज बोली जा रही होती है ना, सो वो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है बच्चे का धीरे धीरे। सो कोई भी कल्चर या सिविलाइजेशन किसी भी कंट्री की, वो लैंग्वेज के थ्रू ही अपनी चीजें क्या करते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस जो है वो लैंग्वेज की हम उसको डिनाई नहीं कर सकते, बहुत स्पेशल प्लेस जो है किसी भी एजुकेशन सिस्टम में जो है लैंग्वेज का रहेगा, लिंग्विस्टिक फैक्टर्स का रहेगा, क्योंकि ये देखा गया है कि जब आप मदर टंग में, अगर आपने देखा हो तो हम यूजुअली बोलते हैं कि प्राइमरी लेवल पे मदर टंग में इंस्ट्रक्शन दिए जाने चाहिए, क्योंकि मदर टंग में बच्चा जो है वो बेटर तरीके से समझ पाता है, ठीक है। सो अगर आप मदर टंग को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो आपका जो है स्ट्रॉन्ग नेशनल कैरेक्टर जो है लोगों का बनके निकलता है, लेकिन अगर मीडियम जो है हमने फॉरेन लैंग्वेज कर दिया तो नेशनल कैरेक्टर जो है वो भी वीक पड़ जाएगा। सो इसलिए लिंग्विस्टिक फैक्टर्स जो है वो भी एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करने में बहुत इफेक्ट डालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये रोल प्ले करते हैं। फिलोसफिकल फैक्टर, अब किसी भी इंसान की फिलोसफी कैसी है वैसे ही किसी भी देश की फिलोसफी कैसी है, वो फिलोसफी जो है आपको एजुकेशन सिस्टम में रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आएगी। तो फिलोसफी जो है वो इन्फ्लुएंस करेगी लाइफ को, देयरफॉर इट्स इन्फ्लुएंस ऑन एजुकेशन इज क्वाइट नेचुरल। जैसे एंशियंट टाइम में गुरुकुल सिस्टम था, वहां पे वैदिक फिलोसफी पढ़ाई जा रही थी। बुद्धिस्ट पीरियड आया, वहां बुद्धिस्ट फिलोसफी जो है विहाराज में, मोनेस्ट्रीज में पढ़ाई जा रही थी। देन जो डीएवी है, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेजेस, डीएवी स्कूल्स भी होते हैं, डीएवी कॉलेजेस भी होते हैं, वहां पे किसकी, स्वामी दयानंद सरस्वती की जो है फिलोसफी, उसको बेस मान के इन चीजों को आगे बढ़ाया जाता है। तो कोई ना कोई फिलोसफी जो है किसी पर्टिकुलर एजुकेशन सिस्टम की रहेगी। ओके, जैसे हम कंपैरेटिव एजुकेशन की बात करते हैं, सो हम ये भी तो कंपेयर कर सकते हैं कि जो डीएवी कॉलेजेस हैं या जो डीएवी स्कूल्स हैं, वहां की फिलोसफी को हमें कंपेयर करना है कि क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलैरिटीज हैं जो हमारी वैदिक फिलोसफी थी उससे। ये भी तो कंपेयर ही हो गया, कंपैरेटिव एजुकेशन ही हो गई ये भी, राइट। सो ऐसे ही और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जहां पे श्री अरबिंदो की फिलोसफी जो है वो फॉलो की जाती है। बहुत सारे मॉडर्न टाइम में अगर हम देखें तो एक स्पेशल सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो कि सर्वोदय फिलोसफी पे बेस्ड है, जो कि गांधी जी और विनोबा भावे की थी। सो वो चीजें हमें ध्यान रखनी है कि हाँ, फिलोसफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। किसी भी देश की फिलोसफी कैसी है, किस लेवल की फिलोसफी या किस तरीके की फिलोसफी वो फॉलो करते हैं, वो हमें एजुकेशन सिस्टम में नजर आएगी। यानी कि फिलोसफिकल फैक्टर जो है वो इम्पैक्ट डालेगा एजुकेशन सिस्टम पे भी और कंपैरेटिव एजुकेशन पे भी।
मोरल फैक्टर ऑब्वियसली बहुत सारे कंट्रीज हैं जो मोरल प्रिंसिपल्स पे फोकस करते हैं या फिर कुछ रिलीजियस प्रिंसिपल पे फोकस करते हैं, ठीक है। डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर हम देखें तो मोरल बिहेवियर हर एक सिटीजन का जो है वो स्पेशली एम्फेसाइज्ड होना चाहिए कि मतलब मोरल बिहेवियर क्या है, सोल है हमारी डेमोक्रेसी की। मैंने जो पिछले लेक्चर्स लिए उनमें बताया भी था कि अगर हम मोरल बिहेवियर को हटा देंगे सो कहीं ना कहीं हमारी सिविलाइजेशन में डाउनफॉल आना शुरू हो जाएगा। सो मोरल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो डेमोक्रेटिक सेटअप आप देखेंगे वहां पे स्पेशल एम्फेसिस दिया जाता है मोरल बिहेवियर पे, जैसे जापान, स्विट्जरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, इंडिया, यूएसए, तो इन जगह पे फोकस किया जाता है कि मोरालिटी भी बच्चे को सिखाई जाए ताकि सही गलत का एहसास उसको रहे। मोरल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहेगा जब हम कंपैरेटिव एजुकेशन को स्टडी करेंगे। ऐसे ही रिलीजियस फैक्टर, मतलब रिलीजन तो सालों से चलते आ रहे हैं जी, तो इंपॉर्टेंट प्लेस है इंडिविजुअल की लाइफ में रिलीजन का। हिस्ट्री में भी हमने देखा है बहुत बार कि बहुत सारे लोगों ने, हजारों लोगों ने सेक्रीफाइस कर दी अपनी लाइफ, किस लिए? रिलीजन को बचाने के लिए या उसकी सेक के लिए, ठीक है। कई बार बोलते हैं ना फॉर गॉड सेक, तो वो गॉड की मतलब भगवान की दया से, भगवान के लिए ही ऐसा कर लो, तो रिलीजन के लिए लोगों ने सेक्रीफाइस की है अपनी जिंदगी। सो जब भी हम ऑर्गेनाइज करेंगे इस एजुकेशनल सिस्टम को, हमें केयरफुल रहना पड़ेगा रिलीजियस सेंटीमेंट से, कि कोई भी रिलीजियस सेंटीमेंट जो है वो आहत ना हो। इसलिए हमें एजुकेशन सिस्टम को उस तरीके से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, यानी रिलीजियस सेंटीमेंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एजुकेशन सिस्टम में या किसी भी नेशन के डेवलपमेंट में। तो जो रिलीजियस फैक्टर्स हैं उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते जब हम कंपैरेटिव एजुकेशन की स्टडी करते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ जैसे जैसे साइंस में बदलाव होने लग गए, साइंटिफिक या टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ावा उसको मिलने लग गया या वो बढ़ने लग गई, तो साइंटिफिक डेवलपमेंट के साथ साथ उसके रिजल्ट में हमें सोशलिज्म, ह्यूमनिज्म, नेशनलिज्म और डेमोक्रेटिक चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब ये कैसे इफेक्ट डालती हैं एजुकेशन सिस्टम पे? अगर सोशलिज्म की बात करें तो सोशलिज्म में हम किसकी बात करते हैं? हम सोसाइटी के वेलफेयर की बात करते हैं। प्लेटो के आइडियाज जो है उनको सीड्स माना जाता है सोशलिज्म का। उन्होंने एडवोकेट किया था कि स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए बच्चों को रियर और ब्रिंग अप करने में, यानी बड़ा करने में, उनका पालन पोषण करने में स्टेट का रोल रहेगा काफी इंपॉर्टेंट। उन्होंने तो ये भी बोला कि कंप्लीट स्टेट कंट्रोल होना चाहिए बच्चे के डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन स्पेसिफिकली, ठीक है। सो जब आप एजुकेशन को बढ़ावा देंगे, बढ़िया तरीके से उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे, वो काम किसका है? स्टेट का है। ये चीज कौन बोल रहा है? ये प्लेटो बोल रहे हैं। सो इस आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस होके एजुकेशन सिस्टम जो है ग्रीस का वो इन्फ्लुएंस रहा, वो देखा जा सकता है, ठीक है। तो सोशलिज्म का अगर हम फैक्टर लेके चल रहे हैं, जैसे सर थॉमस मोरे ने यूटोपिया जो बुक थी उनकी, वहां पे भी सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स जो है उनको एडवोकेट किया, जो प्लेटो के प्रिंसिपल्स थे। देन रूसो ने भी यही चीज बोली कि सोसाइटी जो सोशलिस्टिक पैटर्न है सोसाइटी का वो हमें देखना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे जो फिलोसोफर्स हैं उन्होंने भी ये चीज बोली है कि अगर सोशलिज्म फैक्टर को हम लेके चले तो वो चीज एजुकेशन सिस्टम के ऊपर काफी इंपैक्ट डालेगी। और इसीलिए ये हम बोल सकते हैं कि सोशलिज्म अगर फैक्टर एजुकेशन सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर रहा है तो डेफिनेटली कंपैरेटिव एजुकेशन को भी इंपैक्ट जो है वो करेगा। ह्यूमनिज्म में हम ह्यूमन वेलफेयर के ऊपर फोकस रखते हैं। इंडिविजुअल अपने हिसाब से मतलब अपना फुल्ली पोटेंशियल, फुल स्कोप जो है उसको दिया जाता है, फुल फ्रीडम दी जाती है। ह्यूमनिज्म में ह्यूमन वेलफेयर जो है वो प्राइमरी एम रहेगा। मैन इज कंसिडर्ड टू बी मेजर ऑफ एवरीथिंग, तो सब कुछ मैन को ही माना जा रहा है। नए मेथड्स जो है वो इसी चीज से रिलेटेड जर्मनी में डिवाइस भी किए गए बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमनिज्म। ओके, इंग्लैंड ने भी इसका इम्पैक्ट देखा है और वहां पर भी करिकुलम में हमें चेंजेस देखने को मिले हैं। बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पे उन्होंने सब्जेक्ट जो ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस जो है वो इस तरीके से पढ़ाने शुरू कर दिए कि इनका जो हम पढ़ा रहे हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा या प्रैक्टिकल लाइफ में ये कैसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, वो चीजें भी देखने को मिली हैं। सो ह्यूमनिज्म का जो फैक्टर है यानी वेलफेयर ऑफ ह्यूमन जिसमें हम सोचते हैं, वो चीज भी इम्पैक्ट डालेगी किस पे? एजुकेशन सिस्टम पे। नेशनलिज्म तो बचपन से हमें हर क्लास में ही सिखाया जाता है, देशभक्ति की भावना जो इनकलकेट करने की कोशिश की जाती है। कई बार बस एक एक चीज देखने को मिलती है, मतलब ऑब्वियसली एम्स एंड एजुकेशन में, तो एम्स ऑफ एजुकेशन में तो हम देखते ही हैं कि नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया जाता है।
बट कई बार क्या होता है कि एक बिल्कुल वो होता है ना, मतलब आप ब्लाइंड बन जाते हैं, बिल्कुल अंधा अंधे तरीके से आप जो है देशभक्ति को फॉलो करने लग जाते हैं, कि जैसे वो होता है ना आजकल की अपनी बात रखने पे अगर आप किसी के ऑपोजिट जा रहे हैं तो आपको एंटी नेशनल बोल दिया जाएगा, ठीक है। सो उसको एक हथियार की तरह भी यूज किया जाता है आज के टाइम में अगर हम देखें, और वो टेंडेंसी जो है ना कि आप जो है बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं इन एडिक्वेसीज को भी, ठीक है, तो वो चीज जो है एक नेशन को वीक बनाती हुई चली जाती है। और उसका बढ़िया एग्जाम्पल है हिटलर ऑफ जर्मनी या टोक्यो ऑफ जापान। सो वहां पे ये चीजें हमें देखने को मिली हैं कि हिटलर बोलते हैं ना, हिटलर के अहंकार ने ही उसकी जर्मनी और उसको ले डूबा अहंकार। सो वही चीजें हैं कि जब आप ओवर करने लग जाएं ब्लाइंडली कि सिर्फ मैं मेरा देश मेरा देश मेरा देश, आप एक मतलब लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो रखिए, वो चीज भी जरूरी है, ये नेशनलिज्म में हम पढ़ते हैं। ओके, डेमोक्रेटिक फैक्टर, जब भी डेमोक्रेसी की बात आएगी तो इक्वालिटी में पॉलिटिकल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी या सोशल यूनिटी, इन फैक्टर्स को हम कंसीडर करते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ठीक है। जब हम देखेंगे फर्स्ट फॉर्म जो है, फर्स्ट फॉर्म कम ये यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इंडिया, ये जो सारी की सारी कंट्रीज हैं, एक तरीके से एक साइड ये और एक साइड चाइना और नॉर्थ कोरिया, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल अलग तरीके का जो है क्या देखने को मिलेगा, आपका एजुकेशन सिस्टम देखने को मिलेगा एक डेमोक्रेटिक कंट्री में और एक बोल सकते हैं नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में, ठीक है। बहुत सारी चीजें तो नॉर्थ कोरिया के बारे में हमें पता भी नहीं होती कि वहां पे चल क्या रहा होता है, ठीक है। सो वो चीज है कि वहां पे फिर एजुकेशन सिस्टम भी उसी तरीके का बनाया जाएगा। सो डेमोक्रेटिक फैक्टर जो है वो एजुकेशन सिस्टम को बहुत बढ़िया तरीके से अफेक्ट करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा डेमोक्रेटिक फैक्टर। और कहां पे अगर डेमोक्रेसी नहीं है तो वहां का एजुकेशन सिस्टम हमें बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिलेगा, और यहां पे वो डिफरेंस जो है वो हम कंपैरेटिव एजुकेशन में पढ़ेंगे, क्योंकि हम वो डिफरेंसेस या सिमिलैरिटीज जो है वो नोट डाउन करना चाह रहे होते हैं, ठीक है। सो ये डेमोक्रेटिक फैक्टर हो गया। सो ओवरऑल हमने देखा बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, आप कोई भी फैक्टर उठा के देख लीजिए, वो एजुकेशन सिस्टम को इंपैक्ट करेगा, और एजुकेशन सिस्टम पे अगर इंपैक्ट डल रहा है तो डेफिनेटली कंपेयर जब हम करेंगे दो एजुकेशन सिस्टम को, वहां पर भी वो इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा। ओके, सो ये हो गए जी कुछ एक फैक्टर्स, आई होप आपको समझ आए हो, नहीं समझ आया तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।